तेरा हो तो मैं बताता हूँ। इतने तुम्हें शौक है। क्या हो गया, क्या हो गया? तुमने मुझे गली मल्ले का दानिश्वर समझा हुआ है। हुआ क्या है, इधर आओ यार, क्या हुआ है? यार कब बात है करने वाली? क्या हो गया भैया? आदमी किसको कहते जा रहे हो? भैया इधर जो बर्फ खाने के बाहर बैठे होते हैं ताश खेलने के लिए, हाँ? मुझे कहते हैं कि जी जी आप आज इधर बैठ के तो सियासत पर तबसरा करो। मैंने कहा को हया करो, दानिश्वर आदमी हूं मैं, इधर फटे के ऊपर बैठ के तुम लोग ताश खेल रहे हो, इधर मैं सियासत पे तबसरा शुरू कर दूं? तो कर देते, तुम्हारा क्यों पैसे लगते हैं यार? नहीं लगते तो नहीं है, चलो दे तो ठीक ना, कह रहे 50 रुपए ले लेना। इस पे मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ा कि यार मैं 50 रुपए का दानिश्वर, बिल्कुल जो जुल्म है यार। मैंने कहा कम से कम 100 रुपया तो दो। अच्छा, आधा घंटा बहस करते रहे, मेरा चेहरा ले रहे हैं, कभी ये खींच रहे हैं, कभी इधर से खींच रहे हैं। एक शोभा सा कहता है इसमें के मुंह में रोड़ा रख के खींच के मारो तो दलेल है ये। और रुपया मैंने कहा दे दो, आधा घंटा बक बक करके मैं 75 रुपये आ गया हूँ, वो 50 से 51 ही हुए। अजीजा पहले सलाम तो ले ले। सॉरी सलाम। अस्सलामुअलैकुम खातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम, शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और इंतहाई गुस्से में अजीजी। अस्सलामुअलैकुम नाइरीन, मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। नहीं को बात होती है करने वाले, सही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हर बंदा जो है बात खत्म कहाँ पे हुई, 50 रुपए से आगे नहीं बढ़े। नहीं यार चलो अकुंचा भी नहीं किया मेरी तसल्ली के लिए कर। अच्छा वो अगर एक दर्जन किन्नो ऑफर करते फिर? नहीं यार मैं दानिश्वर हूँ, आड़ती हूँ। अच्छा गुस्सा जाने दे जी साहब, गपशप शुरू कर जी। नायरीन सबसे पहले तो मैं चौधरी शुजात साहब को और चौधरी परवेज लाई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने लाहौर में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जीत लिया। ये फजूल बात कर रहा है। अगर एक शहर से तरीके इंसाफ के इस तरह के रिजल्ट्स आ गए, ये बात करने की क्या जरूरत है जो बाकी जगहों से उनके लिए बहुत काबिले फख्र रिजल्ट आए, उनका तुम कोई जिक्र नहीं कर रहे? नहीं, सारे तरफ से मैं तो इस बात में भी फख्र कर रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन कराया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो छोटे मोटे वाक्य आते हैं लड़ाई मार कुटाई के, इक्का दुक्का वाक्यात जो है उनको बुनियाद बनाकर तहरीके इंसाफ के इस नई जो एक तर्ज सियासत है इसको मलून करना मेरा ख्याल है किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम था जिसकी हर सूरत में ये बजाय कि हम उसमें से छोटी छोटी खराबियां निकालें, उस लड़ाई मार कुटाई के वाकयात या दो चार जो इस तरह के लोग सामने आ गए हैं उनको हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, बड़े दिल के साथ हमें तारीफ करनी चाहिए। और ये काबिल तकलीद मिसाल है और बाकी जमातों को भी बजाय ये कि इस तरह की उल्टे सीधे बयानात दें, मेरा ख्याल है कि उसकी तकलीद करनी चाहिए। नहीं यार मैं को मलून नहीं कर रहा उनकी सियासत को, मैं दाद दे रहा हूं, बल्कि मैं तो सारे रास्ते ये सोचता आया हूं कि यहां लाहौर से अब्दुल अलीम खान साहब और रशीद पट्टी साहब जो जीते हैं तब्दीली आएगी। और ये भी हो सकता है कि ये तब्दीली बढ़ते बढ़ते जो है ये पाकिस्तान लेवल पे चली जाए और अब्दुल अलीम खान साहब या रशीद पट्टी साहब इमरान खान साहब की जगह पे तरीके इंसाफ के सदर बन जाए। हाँ इमरान खान साहब को लखात के तो नहीं आए हुए, वो तो खुद कहते हैं तो होना चाहिए। ठीक है, सियासी जमात के कारकुन है जिसको मर्जी सदर बनाए, यही कल्चर बाकी सियासी जमातों। यार तुम एक बात बताओ कि ये मामूली बात है कि ये अलीम खान सदर बन गया? बोलते जा रहे हो, क्या ये मामूली बात है कि इमरान खान के यार मेरी बात सुनो कि ये मामूली बात है कि इमरान खान के फर्स्ट कजन इनामुल्ला खान नियाजी मियांवाली में हार जाते हैं तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, उनका ग्रुप हार जाता है, ये मामूली बात है। खुद खड़े हुए थे? नहीं उनका ग्रुप खड़ा था जो हार गया। अच्छा तो अब वो उन्होंने अपना कम्युनिटी ग्रुप बना लिया, ये क्या बात है? पार्टी इलेक्शंस की यही तो खूबसूरती है, यही तो उसका हुस्न है, जमहूरियत का भी हुस्न कहना चाहिए कि पार्टी के अंदर अगर कोई शख्स किसी ओहदे के लिए उम्मीदवार होता है, कंटेस्ट करता है और वो इलेक्शन लूज कर जाता है, लेकिन पार्टी के लिए उसकी फीलिंग्स और जज्बात पर कोई हर्फ नहीं आता। नहीं बिल्कुल कोई अरब नहीं आता, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी लड़के की शादी हो रही हो और उसका मामा खाना ना खा रहा हो और लड़के का अब्बा कहे कि यार खाओ खाना खाओ और वो आगे से हंस हंस के कह रहा हो और अंदरों कुड़ कुड़ के कह रहा हो कि नहीं नहीं अभी तो खा रहे हैं, खा लेने अभी वो खा ली यार खा लेने जो मर्जी कहते जाओ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं किसी की क्यादत पे इतना हौसला नहीं है कि इस तरह खुले आम
अपने पार्टी के इलेक्शंस करवाएं, जो भी मुंतखब होके आ जाए वो आ जाए। नहीं, ये तो वाकई क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ को और अमरान खान साहब को, उसके अलावा मैं ये समझता हूँ और हाँ बिल्कुल एक नई रिवायत सारे कराने शुरू हो गए हैं। इससे पहले ये एजाज गालिबन सिर्फ जमात इस्लामी के पास था या तहरीक इस्तकलाल भी अपने इंतखाबात करवाती थी, लेकिन बहरहाल वो उस काफ लीग ने भी करवा दिया। हाँ कल चंगी पड़ी थी काफ लीग यार, उन्होंने एकदम इलेक्शन करा दिया। तहरीक इंसाफ ने वो वाले इलेक्शन करवाए जो काफ लीग ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने करवाए। ये जो काफ लीग ने इलेक्शन कराए हैं ना, वो तो मुझसे मुझे याद आ गया। मैं एक दफा एक शादी पे गया वलीमा रात का था, पिंड था पे, उधर मैं अच्छा पला गया हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक मैं खाना खा रहा था। पता नहीं पिंड में मुझे क्या चीज लड़ी है, एकदम मेरे पूरे पिंडे पे तरह फड़ निकल आए। इसी तरह काफ लीग को राती एकदम इलेक्शन निकल आया, ऐसे पता भी नहीं चला। तुम बोलते जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि इमरान खान को इन पार्टी इलेक्शंस के लिए किस सख्त वक्त से गुजरना पड़ा है। उसकी पार्टी के अंदर इतनी सख्त मुजामत थी, लोग कह रहे थे कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मतरादफ है, ये खुदकुशी हो गई इलेक्शन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी है, जो भी हालात सामने आए हैं, जो भी उम्मीदवार जीत के सामने आए हैं, उन पर एतराज किया जा सकता है, तरह तरह की बातें की जा सकती हैं, 100 तरह की ओपिनियन जाहिर की जा सकती है, लेकिन बहरहाल उसने एक चैलेंज कबूल किया है इमरान ने, और एक बात अपना जो चैलेंज था उसको सच साबित कर दिखा है। मेरा ख्याल तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद क्रेडिट देता हूँ इमरान खान साहब को। मैं बाकी सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अचानक इलेक्शन करा दिया। उनके इलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही हुए हैं जैसे बंदर चंगा पड़ा रात को तंग फंग भुखा पाना सोता है, सवेरे उठ के बेचारा बॉन्ड की लिस्ट देखता है तो उसका करोड़ रुपए का बॉन्ड निकल आता है, या बॉन्ड निकल आता है रातों रात, या फोड़ा निकल आता है। छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।